हुआ है, क्लियर। यहां पर कैप वन के पीछे आपको क्या क्या मिलता है, एक आपको एमबीएमटी वन, फिर यहां तीन एमसीपी कैप वन के पीछे, एमसीपी वन, एमसीपी टू, एमसीपी थ्री, और एचटी वन की जो दीवार है, एचटी वन की दीवार पर आपको तीन अनलोडर वाल और एमसीपी वन के ऊपर, एमसीपी वन के ऊपर वीड वाल, और कॉरिडोर एक साइड, कॉरिडोर एक साइड आपको डीवी आईपी मैग्नेट वाल, जो हमने अभी पढ़ा आईपी मैग्नेट वाल, तो आईपी मैग्नेट वाल आपको कॉरिडोर एक डीवी के पास, कॉरिडोर एक में डीवी के पास में, ये डीवी के पास में आईपी मैग्नेट वाल लगा है। अब मान लो कि ये आपके सामने, मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने ये क्या है, HT1 कंपार्टमेंट, तो HT1 कंपार्टमेंट में ये दरवाजा है और दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड ये ATFEX है और राइट हैंड साइड ये DBR यूनिट, मतलब नीचे जो है वो आपको पूरा MVRF मिलेगा और ऊपर RF1 से RF6 रेजिस्टेंस मिलेंगे और SJ1 उसके पास में सामने की साइड में पूरा एक पैनल रहता है, वो पैनल पे आपको एक तो ऊपर CTF1, नीचे J1, उसके पास में नौ संटिंग कॉन्टेक्टर और एक ईपी कॉक, जो ये पूरा न्यूमेटिक पैनल का न्यूमेटिक उपकरणों का कॉक है वो, और CTF1 के ऊपर की तरफ QD1 मिलेगी। अब हम देखते हैं कि ये उपकरण दिखते कैसे है, ये उपकरण जो है दिखते कैसे है। देखो ATFEX जो है वो कैसे दिखेगा, डायनेमिक ब्रेक का यूनिट कैसे दिखेगा, वो सब इस वीडियो में आपको मैं बताता हूं। तो आपका आज HT1 और HT2 खत्म कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा। अरे वीडियो शेयर कर दो ना। अरे दूसरे का वीडियो है यार उसके नाम से, इसके लिए नहीं सेंड कर सकता, वरना कर देता मैं। देखो ये ATFEX ये जो है ना, ये लगा है आपका ATFEX, ये HT1 के दरवाजे के पास में लगा है, HT1 के दरवाजे के पास में। इस तरह से आपको ATFEX छोटा सा एक्साइटेशन ट्रांसफॉर्मर आपको मिलेगा, ATFEX, क्लियर। उसके बाद अपन अंदर घुसे हैं, अपने को J1 कैसा मिलेगा, तो J1 तो आपको ऐसे ही बताया है, रिवर्सर J1, तो ये रिवर्सर J1 आपको इस तरह से दिखेगा, ये इसका मैनुअल हैंडल, मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल, फिर CTF1 J1 के ऊपर, CTF1 J1 के ऊपर CTF1 आपको मिलेगा, तो ये है CTF1 ऊपर की साइड में उसका मैनुअल हैंडल, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया है फोटो से ही। तो J1 के ऊपर HT1 कंपार्टमेंट में आपको ये मैनुअल हैंडल मिल जाएगा CTF का, ये इंटरलॉक का बॉक्स है, मैनुअल हैंडल लिखा है, उसके नीचे इंटरलॉक का बॉक्स है, यहां पर ये सर्वो मोटर है, ऊपर आपका ट्रैक्शन और ब्रेकिंग का इलेक्ट्रोवाल है, ऊपर ट्रैक्शन और ब्रेकिंग के इलेक्ट्रोवाल लगे हैं। ये जो यहां पर लिखा है इलेक्ट्रोवाल ट्रैक्शन और ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोवाल ट्रैक्शन और ब्रेकिंग के, ये जो आपका CTF है उसके ऊपर की तरफ आप देखो तो यहां पर ऊपर QD आपको मिलेगी, QD1 ऊपर क्या मिलेगी, QD1,
है ना, यहां पर ऊपर की साइड में QD1 और ये HT1 कंपार्टमेंट में, इस तरह से आपको पूरा HT1 में इस तरह से आपको पूरा बता दिया। HT2 कंपार्टमेंट में क्या है, सॉरी HT1 कंपार्टमेंट में पूरे का पूरा चित्र यहां पर आपको बताता है, बताया है कि आप अंदर घुसे HT1 कंपार्टमेंट में तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड आपको ATFEX सामने जो दिखता है वो J1, उसके ऊपर CTF1 और CTF1 के ऊपर एक QD1 है, व्हील स्लिप की रिले QD1, और ये येलो कलर का कॉक जो है, येलो कलर का कॉक, ये इस पूरी पैनल के लिए इसका ईपी कॉक है या उसका इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉक, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉक। अब HT2 की बात करते हैं, सॉरी एक मिनट, ये जो हम संटिंग कॉन्टेक्टर की बात करते हैं तो HT1 जो है HT1 उसमें 9 संटिंग कॉन्टेक्टर रहते हैं, तो इस तरह के ये आपको आर्चिट कवर है ऊपर और उसके अंदर संटिंग कॉन्टेक्टर लगे रहते हैं, तो 9 संटिंग, 18 संटिंग कॉन्टेक्टर है WAG5 लोकों में, तो 9 संटिंग कॉन्टेक्टर आपको HT1 में मिलेंगे और 9 संटिंग कॉन्टेक्टर आपको HT2 कंपार्टमेंट में मिलेंगे। ये QD1 HT1 कंपार्टमेंट के अंदर CTF1 के ऊपर एक QD1 लगी है, इस तरह के आपको कांच की खिड़की है इसके ऊपर और आप देखोगे पूरा आपको पता चल जाएगा कि QD1 है। एसजे ये है, एसजे है ना, HT1 कंपार्टमेंट में SJ1 जो इंडक्टिव कॉइल है, MPS का उपयोग करते हैं तो लोगों में जर्क ना आए इसके लिए जिसको लगाया है SJ1, और SJ2 और SJ3 आपको HT2 कंपार्टमेंट में मिलेगा। SJ2 और SJ3 कहां मिलेगा, HT2 कंपार्टमेंट में। ये पूरा जो है SJ लगा है, इंडक्टिव कॉइल है। ये DBR यूनिट, ये जो DBR का यूनिट है वो इस तरह से दिखता है, ये HT1 कंपार्टमेंट में DBR का यूनिट, ये नीचे MBRF मोटर है, नीचे जो है ये MBRF मोटर लगी है या ब्लोअर लगा है, और ऊपर ये जो ऊपर का बॉक्स है, ये ऊपर के बॉक्स में RF1 से RF6 जो हमने अभी बताया था, RF1 से RF6 6 संटिंग रेजिस्टेंस इसके ऊपर अंदर बॉक्स के अंदर लगे हैं, तो MBRF चलकर ये RF1 से RF6 को ठंडा करता है। अब हम HT2 कंपार्टमेंट की बात करें, HT2 कंपार्टमेंट की बात करते हैं, HT2 कंपार्टमेंट में घुसना है तो आपको कॉरिडोर नंबर 2 तरफ SMGR पैनल है, मैंने अभी फोटो भेजा था, तो SMGR पैनल के पास, ये SMGR पैनल है उसके पास से आपको अंदर जाना है, तो अंदर जाओगे तो आपको ये चलने के लिए ऐसी जाली मिलेगी, अंदर जाकर आप चल सकते हो, यहां से L आकार दिखता है ना, ये L आकार पे आप चल सकते हो, तो कॉरिडोर 2 साइड MBSL1 लगा है, ये जो SL को बाहर SL लगा है उसको ठंडा करने वाला ब्लोअर, और कॉरिडोर 1 तरफ ये S2 मिलेगा,
यहां पर ये दरवाजे के जस्ट पास में HT2 के दरवाजे के जस्ट पास में ये HQOP1 और HQOP2 है। HQOP1 और HQOP2 कैसे दिखती है HQOP1 HQ आपको फोटो में मिल रही है। HQOP1 नाइट स्विच ये ऑन कंडीशन में होना चाहिए हमेशा, है ना। यदि आपको QOP को बाईपास करना है तो आपको लो को ग्राउंड करके इसको ऑफ पे रखना है, हम TSD में वो पढ़ेंगे। HQOP1 और HQOP2 यहां ऑन से इसको खोलकर ये जो क्लैंप जैसा दिखता है नाइट स्विच है तो इसमें कस देना है। इसमें कस देने से क्या QOP जो है वो बायपास हो जाएगी और एक अधिक ओम का रेजिस्टेंस RQOP सर्विस में आ जाता है। MBSL 1 और MBSL 2 MBSL और MBSL किस तरह से आपको दिखेगा, MBSL 1 और MBSL 2। तो MBSL 1 और MBSL 2 आपको किस तरह से दिखेगा, देखो जैसे आप अंदर घुसते हो ना तो ये जाली पे आप चल सकते हो या खड़ा रह के आप चेक कर सकते हो। ये कॉरिडोर एक तरफ MBSL 2 है और यहां कॉरिडोर 2 की तरफ ये बाहर कॉरिडोर 2 है तो ये MBSL 1 लगा है ब्लोअर जो SL1 और SL2 को ठंडा करते हैं। और यहां पर ये बॉक्स मेरा कर्सर जो है वाइट कर्सर मेरा देखो ये बॉक्स है जिसको बोलते हैं SMGR बॉक्स। ये SMGR बॉक्स के अंदर आपका V1 V2 लगा रहता है, V1 और V2 और दूसरी मैकेनिज्म भी लगी रहती है जो GR के ड्रम को घुमाती है। फिर आप यहां पर ए एल आकार तो यहां J2 और CTF2 तो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा आपको, J2 और CTF2 ये तो आपने देख लिया है ST2 कंपार्टमेंट में। CTF2 के नीचे ये J2 मिलेगा जिसमें आपको यहां पर ये लॉकिंग पिन है, ये फॉरवर्ड रिवर्स के इलेक्ट्रोवाल है और यहां पर ये मैनुअल हैंडल लगा हुआ है और ये सर्वो मोटर लगी है, है ना, ये सर्वो मोटर है। उसी तरह आप CTF की बात करो तो CTF भी बिल्कुल सेम है, आपको बता दिया है। तो CTF2 J2 के ऊपर, CTF2 कहां मिलेगा, J2 के ऊपर। यहां ये CTF2 में आप देखो CTF2 में ये T नहीं बनता है, मैंने जैसे बताया था ना कि J1 J2 में ये एक तरफा T रहता है वो नहीं रहता है। उसके बाद ये CTF2 के ऊपर आपको मिलेगा QD2, जैसे ST1 में आपको CTF1 के ऊपर की साइड में QD1 मिली थी, यहां पर आपको CTF2 के ऊपर मिलेगा QD2। ये QD2 बिल्कुल वैसे ही है, ये QD2 है और उसके पास में आपको Q20 मिलेगी, उसके पास में आपको Q20, ये Q20 है, ये जो है वो Q20 है, गलत लिख दिया है QD2। एक ही है आपका, एक QD है, दोनों अलग अलग फोटो है, दोनों QD का ही है, Q20 का अलग फोटो है, अलग दिखाते हैं। ये Q20 ये जो है ना, ये Q20 है जो ओवर वोल्टेज रिले है हमारी और ये रेजिस्टेंस है हरे कलर का RQ20, ये रेजिस्टेंस है। इसको अपने को कुछ करना नहीं रहता, पावर सर्किट में जो रिले लगी है QD Q20 उससे अपने को कुछ भी करना रहता नहीं है। फिर यहां पर ये अपने जो लाइन कॉन्टेक्टर, अपने जो लाइन कॉन्टेक्टर L1 से L6 और उसके आगे ये CTF
सॉरी उसके आगे ये C145 नौ लाइन छह लाइन कॉन्टेक्टर, और लाइन कॉन्टेक्टर के नीचे आपको मिलेगा CTF3। तो CTF3 का लोकेशन क्या हो गया, लाइन कॉन्टेक्टरों के नीचे HT2 कंपार्टमेंट, लाइन कॉन्टेक्टरों के नीचे HT2 कंपार्टमेंट में। देखते हैं उसको भी, देखिए C145 और लाइन कॉन्टेक्टर, यहां पर आप देखते हो कि आप जैसे ही CTF2 और J2 के आगे बढ़ते हो, CTF2 और J2 से जैसे ही आगे बढ़ते हो, तो अंदर जो L आकर आपको बताया था ना, तो अंदर आपको पहला ही मिलेगा C145 डायनेमिक ब्रेक का कॉन्टेक्टर। ये है डायनेमिक ब्रेक का कॉन्टेक्टर, और ये L1 से L6 लाइन कॉन्टेक्टर नंबर 1, 2, 6, ये 6 लाइन कॉन्टेक्टर है। और CTF3 का लोकेशन आप देखोगे तो यहां नीचे की साइड में, ये जो नीचे आप बैठ के देखोगे, यहां ये बैठ सकते हो नीचे, तो आप बैठ के देखोगे तो CTF3 आपको नीचे मिलेगा लाइन कॉन्टेक्टरों के नीचे। ये आर्कच्यूट कवर है, ऊपर लगा है वो आर्कच्यूट कवर है, कॉन्टेक्ट जो है उसके आर्कच्यूट कवर के अंदर क्लोज ओपन होते हैं, और ये नीचे आपको जो वायर दिखता है ये उसके इलेक्ट्रोवाल है। तो जैसे आप एमपी को एन से प्लस पे ले जाते हो तो ये सभी इलेक्ट्रोवाल जो है वो ऑपरेट हो जाएंगे, और ऑपरेट होकर ये क्या होगा, हवा का रास्ता खोलेगा, और हवा का रास्ता खोलकर L1 से L6 एक साथ पहली नॉच पे ही क्लोज हो जाते हैं, 1 से लेकर 32 तक एक क्लोज रहते हैं। HT2 में CTF3 के ऊपर ये लाइन कॉन्टेक्टर का लोकेशन पूछे तो आपको बताना है HT2 में CTF3 के ऊपर, या आप HT2 लिखते हो तो भी सही है, क्योंकि WAG5 में सभी लाइन कॉन्टेक्टर हमारे HT2 कंपार्टमेंट में है। CTF3 की बात करते हैं, संटिंग कॉन्टेक्टर की बात करते हैं, तो जैसे हमारे 9 संटिंग कॉन्टेक्टर HT1 कंपार्टमेंट में थे, वैसे 9 संटिंग कॉन्टेक्टर यहां पर HT2 कंपार्टमेंट में अलग एक पैनल जैसा दिखता है, वहां पर ये 9 संटिंग कॉन्टेक्टर है। सभी कॉन्टेक्टर के नीचे ये जो दिखता है, ये मेरा कर्सर आपको दिखता है, तो सभी कॉन्टेक्टर के नीचे आपको एक मिनट, सभी कॉन्टेक्टर के नीचे आपको ये इलेक्ट्रोवाल लगे हैं, नीचे जो है इलेक्ट्रोवाल है, और ये आर्कच्यूट कवर लगे हैं, ये आर्कच्यूट कवर है, और यहां पर दिखता नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्टरों के ऊपर की साइड में ये कॉन्टेक्टर जो है वहां उसके ऊपर की साइड में इसके रेजिस्टेंस लगे हैं, जो हमारे 9 संटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होकर मेन फील्ड के पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस जो लगते थे, वो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में लगे हुए हैं। ये SJ2 और SJ3 की बात करते हैं, तो HT2 कंपार्टमेंट में आपको SJ3 SJ2 दोनों HT2 कंपार्टमेंट में, यहां पर ये जो RSI1 ब्लॉक है, RSI2 ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पीछे आपको SJ2 और एक तो सीधा दिख जाता है, लेकिन दूसरा जो है इस ब्लॉक के पीछे आपको मिलेगा। तो इस तरह से SJ1 आपको HT1 में मिला था, और SJ2 और SJ3 जो है वो आपको HT2 में मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहां ये L आकार का जो गैलरी जैसा है उसमें अपन घूम के इस सभी को ऑपरेट करना है, तो DJ ओपन, पेंटो लोअर करके ग्राउंड करना है लोगों, और ग्राउंड करके अंदर जाकर जो भी काम करना है वो हम कर सकते हैं। EPCOC ये जो पूरा न्यूमेटिक उपकरण है उसका EP2 कॉक, मतलब HT1 में था उसको हमने EP1 कॉक कहा, और HT2 में है उसको हम EP2, तो इस तरह से ओपन हालत में होना चाहिए। ये जो पाइप दिखती है
ये ओपन कंडीशन, पाइप के समानांतर है तो ओपन है, पाइप के समानांतर है तो ओपन है, और यदि पाइप के लंबवत किया, पाइप के लंबवत किया तो ये क्लोज है, पाइप के लंबवत किया तो क्लोज है। तभी हमें जरूरत पड़ती है क्लोज कर ऑपरेशन कुछ करना रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये RSI 1 और RSI 2 ST 2 कंपार्टमेंट में लगे हैं, है ना, और ये बाहर कॉरिडोर है, कॉरिडोर नंबर 1, और RSI को ठंडा करने वाला ब्लोअर MBSI 1 और MBSI 2, और उस ब्लोअर का काम चेक करने वाली रिले QVSI 1 और QVSI 2। तो कैसे आपको दिखता है ST 2 कंपार्टमेंट के अंदर, तो ये अंदर हमारा ये चलने का रास्ता है, ये हम चल सकते हैं। यहाँ पर सामने की साइड में लाइन कॉन्ट्रेक्टर थे और उसकी विपरीत साइड में ये RSI 1 ब्लॉक है, तो उसको ठंडा करने वाला अंदर ब्लोअर लगा है एक, और ये उसकी रिले है QVSI, और आगे RSI 2 लगा है उसको ठंडा करने वाला ब्लोअर, तो उसकी रिले है QVSI। तो QVSI 1 2 जो है वो RSI ब्लॉक के पीछे, ST 2 कंपार्टमेंट में RSI ब्लॉक के ऊपर आप बताओ तो भी सही है, QVSI 1 या QVSI 2। RSI ब्लॉक के पीछे की साइड में, RSI ब्लॉक जो है उसके ये पीछे की साइड में एक तो एक डैम्पिंग पैनल रहता है, पीछे और आगे दोनों एक डैम्पिंग पैनल रहते हैं, जिसमें कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह रहते हैं। ये रेजिस्टेंस है ऊपर हरे कलर के, नीचे कैपेसिटर है, तो जो हमारा हाई पावर जाता है तो ये डैम्पिंग पैनल के थ्रू जाता है, कि जिसके कारण हमारे लोगों में जो वोल्टेज वगैरह है उसका कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अब अपन सामने मानो कि हम यहां खड़े हैं, है ना, तो सामने अपने को GR, RGR, CGR 1 2 3, RPGR वगैरह दिखता है, तो वो किस तरह से दिखेगा, MBRH वगैरह, MPHGR पंप, है ना, ARGR है ये जो, अरे RPGR है, हरे कलर का ग्रीन रेजिस्टेंस है RPGR, और ये है RGR जो CGR 1 2 3 के ऊपर है या पीछे की साइड में आप बोलो, है ना, तो ये किस तरह से दिखता है वो भी हम देख लें। देखो ये पूरा जीआर है, ये जो है पूरा जीआर आपको दिखाया है, तो ये है सीजीआर 1 2 और 3, ये है सीजीआर 1 2 3, ये सीजीआर 1 2 3। यहां नीचे की साइड में ये जो नीचे है वो जीआर है, मतलब हमारा ग्रेजुएटर, जो हमारा ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग से जो हम 32 स्टेप निकालकर जीआर को सप्लाई आती है, ये वाला ये जीआर है, और जीआर में भी तेल भरा रहता है, जीआर के अंदर भी तेल भरा रहता है, तो जीआर का तेल चेक करने के लिए ये मेरा जो एरो आपको दिखता है यहां पर, ये जीआर का तेल चेक करना है, प्लस माइनस 20 के बीच में होना चाहिए, प्लस माइनस 20 के बीच में होना चाहिए। और यहां पर ये सिलिका जेल, ये जो है सिलिका जेल ब्रीदर है, इसमें सिलिका जेल भरा रहता है, और इसके नीचे यहां आप देखते हो तो ये पंप है PHGR, यहां पर एक पंप है PHGR, जीआर के तेल को सर्कुलेट करने वाला पंप, जीआर के अंदर जो तेल है, तो जीआर में मैंने आपको बताया था कि इनर रिंग आउटर रिंग और उसके ऊपर कॉपर का सेगमेंट जो है वो घूमता है, कॉपर उसके ऊपर सेगमेंट घूमता है, तो कभी कभी जो पतली करत से जो गिर सकती है तो शॉर्ट सर्किट ना हो तो जीआर के तेल को घुमाना पड़ता है, तो जीआर को तेल को घुमाने के लिए ये PHGR पंप है। लेकिन ये PHGR पंप को ऑपरेट करने के लिए ये छठी नॉच पर ऑपरेट होता है, 6 से 32 नॉच तक ऑपरेट रहता है, इसके लिए एक वाल रहता है EVPHGR जो आपको SMGR पैनल के ऊपर मिलेगा,
एसएमजीआर पैनल के ऊपर एक स्टील की बॉडी का वाल है जिसको बोलते हैं ईवीपीएचजीआर। छठी नॉच पर ये ईवीपीएचजीआर एनर्जाइज हो जाता है और पीएचजीआर पंप को चालू करता है जिससे जीआर का तेल जो है वो सर्कुलेट होता है। ये मेरा कर्सर आपको दिखता है, यहां पर एसएमजीआर बॉक्स है, ये जो है एसएमजीआर बॉक्स, और एसएमजीआर बॉक्स के अंदर वी वन और वी टू इलेक्ट्रोवाल लगे हैं और मैकेनिज्म लगी है कि जो जीआर के ड्रम को घुमाती है, जो जीआर के ड्रम को घुमाती है। सर्वो मोटर वगैरह अंदर लगा है, कुछ भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये पीएचजीआर पंप, ये एसएमजीआर बॉक्स, ये जीआर ऑयल इंडिकेटर। यहां पर आप देखो कि ऊपर की साइड में एक काला वायर जो दिखता है ना, ये ब्लैक वायर। हाँ भाई माइक बंद कर दो यार, ये जो चालू, अरे बंद करो भाई, ये जो ऊपर ब्लैक वायर जो है वो नीचे ट्रांसफार्मर तक आता है। तो जब अपन वीसीबी क्लोज करते हैं तो वीसीबी का ये पीछे आरजीआर, देखो सीजीआर के पीछे ये दोनों तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर जो थोड़ा सा दिखता है आपको ये है आरजीआर, और यहाँ नीचे की साइड में आरपीजीआर रहता है, नीचे की साइड में आरपीजीआर रहता है, और एक काला मेन बुशिंग कहते हैं उसको, ये मेन बुशिंग, ये जो है ना ये मेन बुशिंग है। इसी के द्वारा ऊपर वीसीबी की सप्लाई जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर में आती है मेन बुशिंग के द्वारा। ये जो मेन बुशिंग है उसी के द्वारा हमारी सप्लाई जो है वो हमारे मेन ट्रांसफार्मर में आती है। ये मेन ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक है, नीचे ट्रांसफार्मर लगा है उसका कंजर्वेटर टैंक, और ट्रांसफार्मर का तेल चेक करना है तो आपको कॉरिडोर नंबर दो साइड आप एसएमजीआर पैनल के पास से ट्रांसफार्मर का तेल चेक कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में प्लस माइनस 20 तो जीआर, लेकिन ट्रांसफार्मर का तेल आपको वहां से देखना है। और जो रेडिएटर की बात करी थी HT2 कंपार्टमेंट में, ये रेडिएटर यहां लगा है एसएमजीआर पैनल के पास में अंदर की तरफ, ये रेडिएटर लगा है जिसके अंदर से पाइप जा रही है एमपीएच, उसको पाइप के द्वारा तेल को घुमाता है। और यहाँ पीछे की साइड में एमवीआरएस लगा रहता है, पीछे की साइड में एमवीआरएस लगा रहता है, तो एमवीआरएस क्या करेगा, बाहर से हवा खींचेगा, रेडिएटर पर आएगी हवा तो तेल को ठंडा करता रहेगा, एमवीआरएस जो है ठंडा करता रहेगा। आरपीजीआर है, ये आरपीजीआर लगा है जो मैं अपन को सामने से दिखता नहीं, इसको देखने के लिए नीचे बैठना पड़ता है। जीआर के सीजीआर 123 कॉन्टेक्टर जो है, सीजीआर 123 वो सीजीआर 123 के जस्ट नीचे ये आरपीजीआर आपको मिलेगा, ये आरपीजीआर 1,00,000 ओम का रेजिस्टेंस है आरपीजीआर। जीआर की दोनों रिंग, इनर रिंग और आउटर रिंग को इक्वल पोटेंशियल पर रखने का इसका काम है आरपीजीआर का। ये जीआर का ऑयल इंडिकेटर, जैसे अपन ने अभी देखा था कि जीआर का ऑयल इंडिकेटर प्लस माइनस 20 के बीच में जीआर का तेल होना चाहिए, प्लस माइनस 20 के बीच में जीआर का तेल होना चाहिए, वो लोगों का चार्ज लेते समय आपको चेक कर लेना रहता है। और दूसरी बात, यहाँ पर अपन रुकते हैं, दूसरी बात कि जीआर के ऊपर ये जो आपका जीआर ऑयल गेज है ना, उसके ऊपर मेरा कर्सर आपको दिखता है, तो यहाँ पर एक कर्सर जो है मेरा, ये दोनों बॉक्स जैसा दिखता है वो कवर है, और कवर के नीचे जीआर के सेफ्टी वाल लगे है, कवर के नीचे जीआर के सेफ्टी वाल लग गए। यदि जीआर का तेल गर्म हुआ है ना, या जीआर के तेल की गर्मी से ये सेफ्टी वाल जो है ब्लो करेंगे, और यदि ये सेफ्टी वाल ब्लो कर जाते हैं तो भी हमारा लोको फेल हो जाता है, फेल करना पड़ता है, QLM ड्रॉप होती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जीआर का सेफ्टी वाल कहीं ब्लो तो नहीं कर रहा है, जो हम TSD में पढ़ेंगे आगे।
ओके थैंक यू सर। अरे रुको रुको, दो मिनट रुको, हो गया खत्म। जी सर थैंक यू सर, थैंक। अरे यार रुको, दो मिनट फिर से मैं नहीं दिखाऊंगा, रुको। रुक रहे हैं सर, हाँ रुके हैं सर, बराबर हो रहे हैं। देखो तो, ये ऑयल ट्रैप चैम्बर है, ये क्या है, ऑयल ट्रैप चैम्बर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको आपको ST2 कंपार्टमेंट में मिलेगी ये, जो हमारा मेन बुकिंग है ना उसके पास में, या आप उसका लोकेशन पूछो तो ऊपर मेरा कर्सर आपको दिखता है, जहां पर ऊपर मैंने कर्सर ले गया हूं वो है आपका GR का ऑयल गेज, अरे सॉरी ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गेज है। तो ये ऑयल ट्रैप चेंबर का लोकेशन आपको पूछा जाए तो आपको बताना है ST2 कंपार्टमेंट में ट्रांसफॉर्मर ऑयल गेज के नीचे, ST2 कंपार्टमेंट में ट्रांसफॉर्मर ऑयल गेज के नीचे। अब ये ऑयल ट्रैप चेंबर है क्या, तो यदि जी अपने ट्रांसफॉर्मर में से कहीं तेल का लीकेज होगा तो ये ऑयल ट्रैप चेंबर में तेल आएगा। तो जब आप लोगों का चार्ज लेते हो तो ये ऑयल ट्रैप चेंबर आपको कॉरिडोर नंबर 2 से दिखेगी, तो आपको कॉरिडोर नंबर 2 से ऑयल ट्रैप चेंबर को देखना है SMGR पैनल के पास से, इसमें तेल नहीं आना चाहिए। यदि इसमें कोई भी तेल की एक बूंद भी आई है तो आपका लोको फेल हो जाएगा, फेल करना पड़ता है। तो आपको लोको का चार्ज लेते समय इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना ऑयल ट्रैप चेंबर को, यदि उसमें तेल आया है तो उसका मतलब आपका लोको फेल। जब QLM का टारगेट गिरता है तब भी आपको चेक करना है कि ऑयल ट्रैप चेंबर में कहीं तेल तो नहीं आया है। और ये मेन बुशिंग है, काला वायर दिखता है ना, ये मेन बुशिंग है, नीचे ट्रांसफॉर्मर लगा है और ऊपर VCB से जो हमारी सप्लाई आई, VCB क्लोज होकर, तो ये सप्लाई यहाँ ये मेन बुशिंग के द्वारा हमारा मेन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एनर्जाइज करता है। ये देखो यहां पर जहां आप GR के पीछे की साइड, मतलब हम जो जहां घुसे थे वहां नहीं, उसकी विपरीत साइड में, तो ये MPH पंप है, ट्रांसफॉर्मर का तेल को सर्कुलेट करने वाला पंप, ये MPH ट्रांसफॉर्मर के तेल को सर्कुलेट करने वाला पंप, और ये जो पाइपलाइन है वो रेडिएटर में जाती है, ये रेडिएटर आपको बताया था अभी ST2 कंपार्टमेंट में। तो ये पाइपलाइन के ऊपर रिले लगी है QPH, प्रेशर रिले है, जो तेल का सर्कुलेशन होगा उससे जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो वो प्रेशर से इसके कांटेक्ट लगते हैं DJ कंट्रोल सर्किट में Q118 की ब्रांच पर। तो ये QPH रिले और ये MPH पावर, ये रेडिएटर, ये है रेडिएटर। यहां पर आपको ये MVRH, ये MPH दिखता था ना, तो ये MVRH, ये जो है MVRH लगाया है, ये MVRH है। तो MVRH के ऊपर की साइड में ये आपको दिखता है ऊपर एक बॉक्स, तो ये बॉक्स के अंदर RPS लगा है, बॉक्स के अंदर क्या लगा है, RPS, ये रेडिएट, ये आपका MVRH है, कॉरिडोर नंबर 1 की तरफ रहेगा, मतलब आपको ST2 कंपार्टमेंट में बाहर से देखोगे तो भी दिखेगा MVRH, ट्रांसफॉर्मर तेल को ठंडा करने वाला ब्लोअर, और ये जो ऊपर, उसके ऊपर एक बॉक्स लगा है, ये बॉक्स के अंदर RPS, परमानेंट फील्ड रेजिस्टेंस, ये लगे हैं। तो MVRH दो काम करता है, एक तो ट्रांसफॉर्मर के तेल को ठंडा करता है और जो हवा आई वो हवा RPS को ठंडा करते हुए लोगों की छत पर से बाहर निकल जाएगी, तो RPS को भी ठंडा करने का काम करता है। ये SJ3 है ST2 कंपार्टमेंट में, जो दिखता नहीं था पहले, चलो ओके। यहां पर का पूरा लोकेशन पूरा होता है ST1 ST2 का।